Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Cancer, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू. एंड कैंसर, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ फेब 2024. बोनस रीडिंग, लेट्स सी, लेट्स कट द डेक. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटेंशन ऑफ योर पर्सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, योर एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, योर इंटेंशन, हाई प्रीस्टेस, योर फ्यूचर एक्शन, टेम्परेंस, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड द फूल. ओके ओके ओके, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स. चलो, इसको तो हम रिवर्सल में ही लेंगे, जरूरत नहीं है, बट चलो, इट्स लेट्स टेक इट इन रिवर्सल. कैंसर, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ? कभी कभार ना ज्यादा पॉजिटिव होना भी हानिकारक होता है लाइफ में. ओवर पॉजिटिव, ओवर ऑप्टिमिज्म, ओवर पॉजिटिवनेस, नो, इट कैन बी डेंजरस, आई वुड से. एनीवे, ज़ोडियक साइन सैजिटेरियस. स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस एनर्जी, बहुत सैजिटेरियस है आपका पर्सन, तो लाइक कर दो अभी के अभी. सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो, एरीज, वर्गो एंड टॉरस. अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन जो कि आपके साथ एक कैजुअल अफेयर चला रहा है, क्या ये सीरियस होगा? द आंसर इज नो, ये सीरियस नहीं होंगे, फ्यूचर में भी नहीं दिख रहा है मुझे. आपके ऊपर कोई शादी का प्रेशर दिख रहा है, सम यू आर इन सम प्रेशर, सम फैमिली रिलेटेड प्रेशर या शादी का प्रेशर मुझे दिख रहा है. कैंसर, एंड या लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग. करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, दे डोंट फील एनी काइंड ऑफ कनेक्शन टूवर्ड्स यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वाइस, अगर आप अपने एक्स का कहीं, ये तो मुझे दिख रहा है कि आप 90% ऑफ यू आर गेटिंग योर एक्सेस एनर्जीज चेक. मुझे तो ये एक्स की रीडिंग दिख रही है. तो अगर ये आपका एक्स है और आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए कोई फीलिंग्स रखता है या आपके लिए पर्सन कोई फीलिंग नहीं रखता है. ऑल्सो, अगर ये एक्स नहीं है, अगर आप लोग डेट कर रहे हो, वट एवर, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्ट विथ यू. दे डोंट फील एनी कनेक्शन विथ यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो आपसे बात करे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अट्रैक्टेड है, लस्ट एनर्जी है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे. करेंट एनर्जी ये है. ऑल्सो, मेरे हिसाब से ये पर्सन ना आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है. अगर पास्ट में आपने इस पर्सन को हर्ट किया हुआ था, तो ये अभी भी शायद बात करते होंगे, तो अभी भी इन, पता हो, इनके दिल में बहुत ग्रजेस हैं आपके लिए. कैंसर, ग्रजेस मतलब नफरत रखना, नेगेटिविटी रखना. बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में. कैंसर, आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट दे फील वेरी नेगेटिव विथ यू. दे डोंट लाइक योर कंपनी, दे डोंट फील एनी इमोशनल कनेक्शन विथ यू. इंटेंशन देख लो, 10 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, दीज आर टू सिमिलर कार्ड्स. अगर आप बिलीव करोगे तो दोनों सिमिलर एनर्जी है. इंटेंशन, उन्हें इस पर्सन को लगता है कि यार आप बहुत हाई मेंटेनेंस पर्सन हो, योर इमोशनली हाई मेंटेनेंस, कि आपको, यू आर कैंसर्स आर वेरी इमोशनली हाई मेंटेनेंस पर्सन. आप लोग वैसे भी वाटर साइन हो, मतलब आपको, आप ऐसे किस्म के पर्सन हो कि आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इमोशनली आपके लिए हमेशा साथ रहे, हमेशा आपका आपका सपोर्ट करे, या आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है कि दे फील प्रेशराइज बाई यू. उन्हें लगता है कैंसर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है मुझे, कैंसर की ही चलती है, मेरी तो चलती ही नहीं है. इंटेंशन इज दैट दे डोंट वॉन्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक छोटी
मतलब एक होता है ना कि आपके लिए मिठाई भी नहीं लाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ एक चॉकलेट भी नहीं देना चाहते हैं आपको, इस किस्म की एनर्जी दिख रही है इनकी करंट एनर्जी में. इंटेंशन, दे डोंट वांट टू बी विद यू, दे डोंट वांट टू एसोसिएट विद यू, कोई किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते तो कमिटमेंट तो दूर दूर सोचो, फिर तो सोचो ही मत ये कमिटमेंट देगा ये पर्सन आपको. फ्यूचर एक्शन, आप सोच रहे हो क्या ये सुधर जाएंगे, मुझे नहीं दिख रहा है सुधर जाएंगे. ऑल्सो इस पर्सन का बहुत, ये बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन है कैंसर, कहीं ना कहीं अब्रॉड जाने का सोच रहा है, प्लान कर रहा है, इनका वीजा पीआर इन सब के चक्कर में लगे होंगे, लगेंगे आने वाले टाइम पे. एंड कहीं ना कहीं दे वो ही ना, दे डोंट फील दैट कनेक्ट विद यू. इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि दे डिजर्व समवन मच बेटर. दे फील दैट कि नहीं यार, कैंसर एक कैंसर अच्छा पर्सन है सब है, बट मुझे वो कनेक्शन फील नहीं होता. दे फील कि नहीं अभी अभी नहीं मैं रिलेशनशिप में आ सकता. ऑल्सो इस पर्सन के बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत एस्पिरेशन है, बहुत ही एम्बिशियस है ये पर्सन अपने करियर में, तो अभी अपने करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं. मेरे हिसाब से इन द कमिंग फ्यूचर आई एम सीइंग, यस एग्जैक्टली, द फूल नाइट ऑफ वंस एंड टू ऑफ वंस एनर्जी. ये कमिटमेंट में नहीं आएंगे, ये शादी के चक्कर में, रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं. ये फ्यूचर में जितना मुझे दिख रहा है विद कमिंग टाइम्स, ये रिलेशनशिप से, इमोशनल इमोशनल बॉन्ड से दूर भागेंगे. उन्हें इन्हें लगता है कि इमोशंस रिलेशनशिप इन्हें कमजोर बनाता है और इनके गोल्स को डिस्ट्रैक्ट करता है. तो ये एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की. योर एनर्जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कैंसर की, आप किसी प्रेशर में हो, दैट मेरे हिसाब से आपके ऊपर शादी का प्रेशर हो सकता है. आपकी करंट एनर्जी में यू थिंक कि यार इस पर्सन से साथ तो मुझे शादी करनी है, आपको तो शादी करनी है, आपने तो बहुत सपने सजाए हुए हैं, ये सपनों का एनर्जी है, बहुत ड्रीम्स, बहुत एस्पिरेशंस है कि यार नहीं इस पर्सन के साथ मेरी शादी होगी, इस पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप होगा. यू थिंक दैट दिस पर्सन, आपकी फैमिली आपको, मतलब आपकी फैमिली पसंद करेगी इस पर्सन को, यू हैव दिस परसेप्शन. करेंट एनर्जी में यही है, तो आप बहुत होपफुल हो रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं अगर ये अरेंज मैरिज होता तो तब तो ये बिल्कुल रिजेक्ट है, आपको लग रहा है कि नहीं इनके साथ शादी हो सकती है. ये आपकी एनर्जी. इंटेंशन, आप अपना इंट्यूशन को रियलाइज ही नहीं कर रहे हो कैंसर, आपका इंट्यूशन बोल रहा है. कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपने लव स्पेल्स छोड़े हुए हैं. क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? ये लव स्पेल्स वेबसाइट से कुछ नहीं होता है, वो क्यों पढ़ रहे हो इन सब जादू टोटके के चक्कर में? व्हाट आर यू डूइंग? डोंट डू दिस, क्योंकि लव स्पेल कुछ काम नहीं कर रहा. अगर कर रहे हो तो और नेगेटिव असर हो रहा है, ये और नेगेटिव हो रहे हैं आपके लिए अगर आपने छोड़ रखे हैं लव स्पेल. डोंट डू इट. योर इंटेंशन, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के लिए. मेरे हिसाब से आपको इनका लुक्स, आपको इनका अट्रैक्शन लेवल इतना ज्यादा वो है कि आप अंधे हो गए और आप रियलिटी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो. बहुत टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाई भी हुई है आपने इस पर्सन के लिए. मेरे हिसाब से आपको रियलिटी पता है, कहीं ना कहीं एक ग्राउंड रियलिटी, एक रियलिटी चेक होता है ना, वो आपको पता है, बट यू आर इग्नोरिंग इट. मेरे हिसाब से कैंसर, आप बहुत वर्दी इंसान हो, आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप एक अच्छे पर्सन हो, आप इमोशनल हो, आप सच्चे हो. व्हाई यू वेस्टिंग टाइम ऑन दिस पर्सन? प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग विथ योरसेल्फ? कैंसर, अपनी वर्थ मत गिराओ, मैं यही आपको बोलूंगी और यही आपके एंजल्स बोल रहे हैं. अपनी वर्थ मत गिराओ, गिराओ, रियलाइज योर सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस रखो. डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ. अगर रो रहे हो, पीछे पड़े हो, या डोंट डू दैट प्लीज. बहुत वर्दी इंसान हो आप कैंसर. योर फ्यूचर एक्शन, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करके चलोगे इस पर्सन के साथ, एक कॉर्डियल फ्रेंडशिप बना के चलोगे. आपको लगेगा कि चलो रिलेशनशिप ही नहीं सही, मैरिज नहीं सही, तो चलो एक दोस्ती ही रख लेते हैं. तो मेरे हिसाब से आप दोस्ती बना के चलोगे. ऑल्सो आई एम सीइंग दैट योर एनर्जीज आर गेटिंग बैलेंस, आपके चक्रा अलाइन होने वाले हैं बहुत जल्दी. आपके ऊपर ना बहुत एंजल, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपको. इट्स नॉट रिलेटेड टू लव लाइफ, बट कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं कैंसर. बी प्रिपेयर फॉर सम गुड न्यूज कमिंग इन टू योर लाइफ. एंड योर फ्यूचर एक्शन इज दैट यू विल मेंटेन अ गुड फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन. एनी वे दैट्स योर चॉइस. नाउ फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, मैं फ्यूचर के भी मैं पूरे कार्ड्स निकालती हूँ, दिख ही नहीं रहा है. लुक एट देयर एनर्जी, क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये पर्सन सिर्फ जब तक आप
एक कैजुअल अफेयर के लिए ओके हो, ये कैजुअली ही आएंगे, मुझे दिख रहा है दे आर नॉट ब्रेकिंग अ कनेक्शन विथ यू, ये जब जब कॉन्टैक्ट करेंगे आप समझ जाना कि इस पर्सन के अंदर लस्ट है, ये आपके साथ सिर्फ फिजिकल होना चाहता है इसलिए कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसलिए मिल रहा है। फूल विथ नाइट ऑफ वॉन्स इज अ प्लेयर एनर्जी, प्लेयर, ये बंदा, ये पर्सन प्लेयर है, प्लेयर है, डोंट डू दिस, ये फिजिकली इन्वॉल्व होंगे आपके साथ, कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। वही, जैसे ही आप कमिटमेंट दोगे इस पर्सन को, ये बहाने करेंगे, ये कहेंगे नहीं मुझे तुम्हारे साथ कोई फीलिंग नहीं, बट हाँ मुझे तुम्हारे साथ अफेयर रखना है, तो फ्यूचर मुझे वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा है, प्लीज यू डिजर्व समवन मच बेटर, आई एम नॉट सीइंग अ फ्यूचर, ये सिर्फ कैजुअल अफेयर रखने की उम्मीद से आएंगे फ्यूचर में, उससे ज्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कैंसर। बाकी दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग, कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।